अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज MK, जिसमें आपको मेडिसिन के हवाले से रिव्यू दिए जाते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के हवाले से है, यानी ओमेप्राजोल। तो हम इस मेडिसिन के हवाले से पढ़ेंगे इसकी क्वान्टिटी, क्वालिटी, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, हर चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे। ओमेप्राजोल जो मेडिसिन है ये एंटासिड है, मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। तो जो ओमेप्राजोल है इसके जो मशहूर ब्रांड हैं अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहला राइजिक्स है, यानी राइजिक 20 भी है, राइजिक 40 mg, उसके अलावा ओमेगा है, ओमेक्स इनहिबिटर्स, ये कुछ इसके ट्रेड नेम है ओमेप्राजोल कंपनी के। लेकिन जो हमारी आज की वीडियो की हम राइजिक ट्रेड नेम के हवाले से पढ़ेंगे। राइजिक्स तो डोजो जिसकी मुख्तलिफ डोजो जो होती है 20 से 120 mg के दरमियान ये आपको मिल जाती है। अगर इसको इस्तेमाल करवाने के रूट्स की बात की जाए तो इसको आप औरली यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप इंजेक्शन फॉर्म में भी ओमेप्राजोल दस्तियाब है। तो ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। तो इसकी एक पैकिंग में 14 कैप्सूल्स होते हैं। तो इस ये आपको किसी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 295 rupees में 20 mg कैप्सूल्स राइजिक्स के मिल जाते हैं। और अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो यानी ओमेप्राजोल जो राइजिक्स है इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे जो बेहतरीन इस्तेमाल है इसका पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी मैदे में ज़ख्म हो जाना। अगर हमारे मैदे में ज़ख्म हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन है। उसके अलावा गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ एक बीमारी है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको गैस वगैरह बनती है पेट में, तो जलन होती है, तेजाबियत वगैरह फील होती है, एसिडिटी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। ये राइजक जो सारे फॉर्म में भी आपको दस्तियाब है कैप्सूल्स, और आल्सो ये आपको किसी मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन फॉर्म में भी दस्तियाब है। और इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है जोलिंगर इलेजन सिंड्रोम एक बीमारी है, उसमें इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। जो जोलिंगर इलेजन सिंड्रोम बीमारी है ये बीमारी ट्यूमर की वजह से होती है पेंक्रियाज के अंदर और जीडियोनम जो उसका यानी हमारे मैदे के अंदर जो लबलबा है ना उसके रिलेटेड एक बीमारी है, यानी पेप्टिक अल्सर में बहुत शदीद दर्द होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल जो है बेहतरीन है जोलिंगर इलेजन सिंड्रोम बीमारी में। और उसके अलावा अगर हम इस बीमा जो टेबलेट्स ये कैप्सूल या राइजिक इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अमूमन जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट इसके देखे गए तो उनमें जो सबसे पहला एस्थीनिया है, यानी सीवियर बॉडी एस्थीनिया कहते हैं ना जिसम में कमज़ोरी फील होना, सीवियर बॉडी वीकनेस जिसमें शदीद दर्द फील होता है, उसके अंदर इसका जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। डेजीनेस, हेडेक, फ्रूटिनेस, बैक पेन, सॉरी ये मैं आपको साइड इफ़ेक्ट था, सीवियर एस्थीनिया ना ये आपके जिसम में बहुत शदीद दर्द करती है, अगर इसकी आप ओवरडोज ले लें या कुछ इस तरह से कर लें। डिजीनेस है, हेडेक है, सर दर्द होता है, अल्कोहल लेके इसका आता है, HCL जब एब्सेंस हो जाती है उस वजह से उसका नुकसान भी होता है। अगर ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इनमें से कोई भी किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। और कभी मेडिसिन आपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे मेरी आज की वीडियो राइजिक के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।